तो ये है दोस्तों टर्मिनल 2, और यहाँ से अगर आपको मेट्रो के लिए जाना है तो आप जो पीछे आप देख सकते हो जो गेट है वहाँ से आप मेट्रो के लिए जा सकते हैं। अगर आप टर्मिनल 2 से मेट्रो लेना चाहते हैं तो सामने से, और अगर आप देख सकते हो जो यहाँ का लोकेशन है वो ये है, और मेट्रो की सुविधा यहाँ पे है, यहाँ से आपको डोमेस्टिक फ्लाइट मिलेगी। और ये जो टर्मिनल 2 है यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे, अगर आपके पास ज़्यादा बैग वगैरह जैसे कि एंटू के पास, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैग ले जाने के लिए भी सुविधा है जो कि आप अंदर ले जा सकते हो फ्री में, बिल्कुल फ्री। और अगर आपको कोई चाहिए तो ये आ चुका है तो फ्री में, बाकी अगर कोई ऐसा चाहिए तो वो पैसा लेगा। और आप यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हो कि ये है, कुल मिलाकर जो है काफ़ी अद्भुत, काफ़ी अच्छा है। और लोगों की बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अभी, और काफ़ी जनसंख्या, वो तो हमेशा भीड़ ही रहता है। अभी सुबह की मेरी फ़्लाइट है जो 8:55 की जो है फ़्लाइट है यहाँ से रांची के लिए, तो अभी हम इस पे जाएंगे, और अभी लगभग सुबह 6:30 बज चुका है, तो अभी हम अंदर जाएंगे। और अंदर में अभी एक और वीडियो में बना रहा हूँ जिसमें आपको फ़्लाइट के बारे में सारा जानकारी देंगे, फ़्लाइट के बारे में आप देख सकते हो। और अभी जो है अभी मैं गेट के बाहर हूँ, और यहाँ से अभी हम एंट्री लेंगे जो कि जाएंगे। और लोगों की जनसंख्या की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, और मौसम भी बहुत अच्छा है आप देख सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत घूमना चाहते हैं टर्मिनल 2, तो इधर से आप देख सकते हैं जो गेट नंबर 3 की ओर अब जाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में जो है लोकेशन आपको मिलेगा जहाँ पे आप जो है देख सकते हो जो ग्राउंड है वो आप देख सकते हो, और वहाँ पे आप जो थोड़ा बहुत है वो आप देख सकते हो। तो आपको उधर भी जाके आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं और देख सकते हैं। और अभी हम आपको ले चलते हैं जो है, अगर आप गेट के अंदर अगर आप जा रहे हो इस गेट के अंदर उसी को एंट्री मिलेगा जो टिकट है जो ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो लेकिन आपके साथ कोई और दोस्त आता है जो कि आपको छोड़ने के लिए आता है, तो वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर जाने के लिए आपको जो है टिकट होना ज़रूरी है आपके पास, तभी आप अंदर जा सकते हो। तो ये है टर्मिनल 2 का, अगर आप आ रहे हो कोई आपके साथ आ रहा है तो यही लोकेशन में वो रुकेगा, यहाँ से आपको अंदर वो उसको नहीं जाने दिया जाएगा, यहाँ से अंदर वो नहीं जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये है दोस्तों, और यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हो। अभी मैं गेट नंबर, यहाँ पे 4 गेट हैं जो कि 1, 2, 3, 4 हैं, और अभी मैं 4 के पास हूँ। 4 के बाद, 4 के बगल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोकेशन है इस साइड, यहाँ पे आप जा सकते हो, और यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं आप जो उसको जो एरोप्लेन है वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, ग्राउंड का एरोप्लेन। यहाँ से जस्ट सामने आप जाएंगे तो वहाँ से आपको एरोप्लेन का जो है नज़ारा वो नज़र आ जाएगा साफ, कि आप एरोप्लेन कहाँ पे है और कैसे दिखता है ये सब कुछ आप देख सकते हो। अगर आपके साथ कोई भी आता है तो वो आप अंदर नहीं जा सकता, वो यहीं पे रुक सकता है, ये जो आपको लोकेशन नज़र आ रहा है, और यहाँ से अंदर उसको नहीं दिया जाता है। तो ये था टर्मिनल 2 का लोकेशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे और वीडियोज़ आपको मिलते रहेगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी बनाएंगे जिसमें से पूरा ट्रैवलिंग का दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, दिल्ली से रांची और सब कुछ।